माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं समस्त संस्कृति परिवार को मेरा नमस्कार। मैं अनन्या मणि त्रिपाठी आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पे आप सभी को सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत और विकासशील भारत से रूबरू कराना चाहती हूँ। आजादी की लौ तो 1857 में ही जल चुकी थी, जो मसाल बनकर 1947 में हमें आजादी दिलाई। तब जाकर 1950 में हमारा भारत गणतंत्र हुआ, प्रजातंत्र हुआ। जी हाँ, ये वही इतिहास है जो हर साल इसी दिन इसी तिरंगे के सामने हम दोहराते हैं और दोहराए भी क्यों ना। आखिर लाखों ने अपने खून की नदियां बहा दी, तब जाकर हमें भी आजादी हासिल हुई। तब जाके हमारा भारत गणतंत्र हुआ, प्रजातंत्र हुआ। तब जाके हमारे भारत का संविधान लिखा गया और तब जाके हमें सर उठा के गर्व से चलने का अधिकार मिला। हमारा भारत पूरे विश्व में इकलौता ऐसा देश है जहां सभी धर्म और जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, जहां किसी एक भाषा को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता, जहां हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग के लोग एक साथ मिलकर सभी तीज त्योहार मनाते हैं। हमारा भारत एक ऐसा देश है जो एक पत्थर को भी भगवान के रूप में पूजता है। अरे हमारा भारत तो एक ऐसा देश है जो किसी विदेशी को भी अतिथि देवो भव का नारा लगाकर भगवान के समान पूजता है। आज हमारा भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वो शिक्षा हो या खेल हो। आज हमारा भारत चांद से लेकर मंगल तक पहुंच चुका है और इन सबका श्रेय हमारे देश के युवा पीढ़ी को जाता है, वैज्ञानिकों को जाता है और उन शिक्षकों को जाता है जो खुद तो साइकिल से चलते हैं परंतु हमारे देश की युवा पीढ़ी को इस काबिल बनाते हैं कि वो आसमान से भी ऊंचा हो सके। उन सैनिकों को जाता है जो इस खंड में हमारे भारत के लिए मर मिटने को एक बार नहीं सोचते। पर जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह आजाद भारत के भी दो पहलू हैं। एक वो है जो उन वीरों के बारे में बताती है जो आज भी भारत में मर मिटने को तैयार है। वही दूसरी तरफ हम हैं जिनके लिए देशभक्ति का मतलब सिर्फ इतना है कि साल में दो बार तिरंगे को हाथ में लेकर खड़े हो जाना है, राष्ट्रगान पर 52 सेकंड तक खड़े हो जाना है और वंदे मातरम भारत माता की जय जैसे जोर शोर से नारे लगाना है। मैं यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति से, मैं ये वीडियो देखने वाले हर एक दर्शकों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या व्हाट्सएप के स्टेटस और डीपी को झंडे से भर देना यही देशभक्ति है? जी नहीं, माफ करिएगा महोदय, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं एक सच्चे देशभक्त की तस्वीर उस बच्चे में देखती हूँ जो फुटपाथ पे रहता है, ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव तिरंगा लेके सड़कों पर बेचता है। वो उसके पेट की भूख की शक्ति नहीं है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है, बल्कि उसके खून में बहने वाला जुनून है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज हम बात अधिकार की करते हैं तो मैं आप सभी से, अपने सभी दर्शकों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि सरकार बनाने का अधिकार मेरा है, हमारा है, हम सबका है, परंतु इस अधिकार का प्रयोग हम कितने निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या चंद पैसों के लिए हम अपने वोट बेच नहीं देते? क्या ये अपने भारत के साथ गद्दारी नहीं है? आज महात्मा गांधी जी के सपनों का भारत दूर नहीं है। हमारे देश में भी चारों तरफ हरियाली होगी, नीला आसमान होगा, शांति और अमन का प्रतीक बनके हमारा तिरंगा आकाश छूएगा। अंत में मैं अपनी वाणी को सिर्फ ये कहकर विराम देना चाहूंगी कि आज हमारे भारत को किसी मजदूर को मजबूर की तरह देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे शिक्षित करने की आवश्यकता है। आज हमें बड़े बड़े वादों की नहीं बल्कि छोटी छोटी कोशिशों की आवश्यकता है। मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मैं सैल्यूट करती हूँ उन सैनिकों को, उन वैज्ञानिकों को और उन शिक्षकों को और हर उस व्यक्ति को जो अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अगर दान देना ही है तो रक्तदान करिए और मरने के बाद अंग दान करिए ताकि किसी की जान बचाइए।
यही सच्चा धर्म है और यही सच्ची देशभक्ति। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।